गुड गुड इवनिंग टू एवरीवन। ऑडियो स्क्रीन ओके है? यस सर, यस सर, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो सी क्लास, बी क्लास और लगभग में सबनेटिंग हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर ए क्लास आप लोगों को चाहिए तो मैं उसका भी एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे करा देता हूँ कि कैसे एक बिट को कैलकुलेट कर सकते हो। बट सेम पैटर्न है, सेम प्रोसेस है, आई थिंक आप लोग कर लेंगे। बट फिर भी एक बार उसको भी कवर कर लेते हैं, राइट? तो देखो, सबनेटिंग में मेन पर्पज है कि हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसी तरीके से आईपी आईएसपी हमें प्रोवाइड कराता है, राइट? नंबर ऑफ आईपीस की जो जरूरत है वो इस तरीके से प्रोवाइड होता है। तो अगर हम लोग ए क्लास के लिए जाते हैं, ए क्लास के लिए, तो ए क्लास का एक रैंडम नंबर कोई भी ले लो, 10.0.0.0, और ये हमारा /8 होता है। नेटवर्क की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास 8 बिट्स ऑफ नेटवर्क मिल जाते हैं। एंड होस्ट की हम लोग बात करें तो 24 बिट्स हमें होस्ट देखने को मिलते हैं। अब जो ये 24 बिट्स होस्ट हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आईपीज मिलती हैं, है ना? 4.3 बिलियन अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर है। बट हम लोग यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, लाइक 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस, अब 8 बिट इधर प्लस 8 बिट इधर, राइट? और हमारा इधर 128 है, 192 है, 128 है, 64 है, ऐसे है। तो हम लोग +1 करते हैं 9 बिट पर, तो 9 बिट हमारा इधर ही आ रहा है। तो मैं ज्यादा नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी सब लोगों को अभी पता चल चुका है, ये थर्ड डे मैं सेम चीज बता रहा हूँ, राइट? तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए 2 की पावर 1 आर एन, क्योंकि डायरेक्टली 1 आप लिख सकते हो, एन का वैल्यू मैंने 1 लिया, और एच हमारे पास आ जाता है 23, यही है। यस सर, तो हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट का वैल्यू अगर आप देखें, नंबर ऑफ होस्ट इज इक्वल टू 2 की पावर h-2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 की पावर 23 माइनस 2 कितना आएगा?
8388608 सही है, 8388608। सो 8388608 जो भी नंबर है, जो भी आएगा उसमें माइनस करेंगे 8388606, ये वैल्यू हमें यहाँ पे पर नेटवर्क देखने को मिल जाता है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 9th बिट पर, तो हमारा डिफॉल्ट मास्क पता ये 255000 है, और यहाँ पे हमारा 255 और फिर हमारा 128 हो जाएगा, राइट, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो मेन चीज यहाँ पे ये होता है कि अगर हम लोग एक 9th बिट पर सबनेटिंग कर रहे हैं तो दो ही नेटवर्क हमें हैं और इतने नंबर ऑफ आईपी को कैलकुलेट करना है, तो कुछ एड्रेस हमें यहाँ पे भी हाइड होकर मिलते हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स यहाँ पे हाइड होते हैं। बी क्लास हमें हेल्प करेगा इस नंबर को समझने में काफी अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी नंबर हाइड जो होते हैं वो आपको पता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं पहला एड्रेस 10.0.0.0 और यहाँ पे आपको ऐड करना है 128 जो ब्लॉक आईडी है, ये ब्लॉक आईडी है, तो 10.128.0.0 राइट। और जो फर्स्ट नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट है वो क्या आएगा, इधर तो हमारा नेटवर्क आईडी है, इधर हमारा होस्ट आईडी है और इधर हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी है 10.127.255.255। यस, तो हमारा आ जाएगा 10.127.255.255 और लास्ट हमारा आएगा 10.255.255.255 राइट। ये हमें देखने को मिलेगा राइट। तो अब यहां से सिंपल अगर हम लोग लेकर जाएं 10.0.0.1 और लास्ट हमारा आ जाएगा 10.0.0.255 ओके। तो 255 को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 254 तक लिख सकते हैं, 254 एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बिट एक्टिवेट करेंगे जो कि 1 से एक्टिवेट होगा राइट। तो हमारा 10.0.0.1.0 से स्टार्ट होगा बट 1.1 से लिखेंगे और 1.254 तक लेकर जाएंगे। ऐसे ही 2.1 से लेकर जाएंगे 2.254 तक, ऐसे ही होगा। Yes, sir. ये नंबर आपको कैलकुलेट करना है यहां तक, है ना, इधर का ब्लॉक फुल करना है, इधर का ब्लॉक फुल करना है, फिर आप इधर आएंगे राइट। तो हम स्टार्ट यहाँ पे अगर करें 10 डॉट, हमारा क्या आएगा 127.255.1 ये आएगा सर, राइट सर। लास्ट अगर हम लोग बिल्कुल कैलकुलेट करें और ये वैल्यू हमारा लेकर जाएगा 10.127.255.254 राइट। तो आप देखो ये आप यहाँ पे अभी 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लेकर जाओगे आप कहाँ तक, 255 तक। इसके बाद फिर इधर एक्टिवेट करोगे आप, है ना, ये लेकर जाओगे आप कहाँ तक, 127 तक, है ना। तो बहुत नंबर यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास हो गया और जस्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10.128.0.1 राइट। अब ये वैल्यू हमारा इधर एड्रेस क्या देकर आएगा, 10.128.0.254। बट मुझे एक छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पे लग रहा है, मेरे दिमाग में एक डाउट है बट मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ, एक मिनट। आईपी कैलकुलेटर
बस मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि हम लोग गलत तो नहीं कर रहे 8 बिट पर, और एक से 255 जीरो लास्ट में हो। डॉट जीरो ही होगा, ठीक है? सही है। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 0.1 से, स्टार्ट एड्रेस सही है सब कुछ, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ ओके लेकर जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे लास्ट एड्रेस लिखे हैं 10.255.255.1 से 10.255.255.254। और मैंने ज्यादा यहाँ पे गैप कर दिया है, बट उसको समझना है कि ये नंबर ऑफ आईपीस बढ़ाते हुए एक्टिवेट करते हुए आपको एटलीस्ट इस नंबर के कम में जाकर 254 कर देना है बस, राइट? तो ऐसे ही फंडामेंटल है। अब देखो, एक अगर क्वेरी या क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि कहीं पर लिखा हुआ है, मैं सी क्लास से स्टार्ट करता हूँ, है ना, बहुत कम इस पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर लिखा हुआ है कहीं पे 192.168.100.128/25, इसका व्हाट इज सबनेट आईडी, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है 255.255.222, और सेम नंबर के साथ 240, सेम नंबर के साथ 0, सेम नंबर के साथ 128। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा सही होगा? डी डी सही होगा, है ना? यस तो बस इस टेबल को जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था ना, अगर ये हमें पता है बस 8 बिट पर कि हमें 9th पर क्या आ रहा है, 10th पर क्या आ रहा है, बस वही सबनेट मास्क इधर लिख कर आएगा, तो आप इजिली कैलकुलेट कर पाओगे कि मास्क क्या है, कितने नेटवर्क आईडी पे काम हो रहा है, और कितने सबनेट मास्क कौन से क्लास पर। क्लास तो यहाँ पे फिर होगा ही नहीं, दिस इज द क्लासलेस। अब जब सबनेटिंग करने लगेंगे तो ना ही ए क्लास का रहेगा, ना ही बी क्लास का, ना ही सी क्लास का, है ना? क्योंकि वो तो डिफॉल्ट वैल्यू या एल्गोरिदम से बाहर चला गया। क्लास तब तक है जब तक सबनेटिंग नहीं है, ध्यान देंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1.1.1.1, किस क्लास का मानेंगे इसको? ये क्लास का नहीं है, ये आपका 24 बिट का एक सबनेट आईडी है, /24 बिट, राइट? अब ये कोई भी आईडी हो जाएगा इधर 1.1.1, ये एक एक्टिवेटेड आईडी है। नंबर इस तरीके से कैलकुलेट हो जाते हैं। तो कंपनी में क्या होता है कि बहुत लिमिटेड नंबर के साथ काम किया जाता है। नेट वगैरह में आप एक आईपी अगर इंटरनेट चलाने के लिए लेते हो, तो अपने रिसोर्सेस में या अपने नेटवर्क में कैसे उस आईपी से मल्टीपल होस्ट को कम्युनिकेट करा पाते हो, ये सब हम लोग एक आईडी को नंबर ऑफ आईडीज में ट्रांसलेट करके देखेंगे आगे चल के। तो ओवरऑल ये हमारा सबनेटिंग का पार्ट रहा। और अब हम लोग यहाँ पे एक सिनेरियो छोटा सा रखते हैं, प्रैक्टिकल बेस पर ये रहेगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा जब इतना टाइम हम लोगों ने दे दिया है, कोई छोटा सा सिनेरियो सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास दो ब्रांच है, मेन ब्रांच एक हमारे पास है हेड ऑफिस, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, एक हमारे पास है हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस हमारे पास ये हो गया, और एक हमारे पास ब्रांच ऑफिस है, इसको मैंने B1 लिखा, और ये हमारा HO हेड ऑफिस है। मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है पॉइंट टू पॉइंट, और ये सीरियल जीरो से कनेक्ट है सीरियल जीरो के साथ, राइट? अब अगर हम इस लेबल पे कोई भी नंबर कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक ब्रांच मैंने इधर बना दिया, है ना, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया अपने फास्ट इथरनेट जीरो से, और एक और ब्रांच मैंने इधर बना दिया। ये कंपनी के अंदर मान लिया ऐसे कोई काम चल रहा है, दो ब्रांच आपने बनाया, F1 मतलब फास्ट इथरनेट 1 पोर्ट से। ये प्रैक्टिकल आपको करना नहीं है, जरा सा सबनेटिंग को हम लोग चेक कर रहे हैं कि हम लोग असाइन कैसे कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ मल्टीपल ब्रांच को हमें आईपी कैलकुलेट करके देना है। तो
तो ये हमारे पास स्विच है, ये हमारा जो है राउटर है, ये हमारे पास स्विच डिवाइस है, राइट। और ये स्विच वन है, ये स्विच टू है, और इधर हम लोग ले लेते हैं एक स्विच थ्री। इसको हम उधर क्यों लिखें, डायरेक्टली रियल प्रैक्टिकली यहाँ पे कर लेते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे दो राउटर ले लेते हैं सबसे पहले, अभी जब हम लोगों ने नंबर ऑफ राउटर यहाँ पे ऐड कर दिया, कुछ स्विचेस ले लेते हैं, वन टू वन टू। सिस्को पैकेट ट्रेसर कैसे काम करता है आप इसी लैब में समझ जाना, देख लेना। क्लियर है सबको सिस्को पैकेट ट्रेसर? यस सर। कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, कौन सी डिवाइसेस कहाँ से ले रहा हूँ, ये आप इसी में देख लेना, क्योंकि इसका अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं है, है ना। इतना आप लोग कम से कम कैचअप कर लेना आज की इस लैब में, क्योंकि ये आपको बनाना नहीं है, जस्ट समझना है। बट मैं डिवाइसेस ऐड कर रहा हूँ तो कहाँ से यूज कर रहा हूँ आप इसको समझेंगे। आपको डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करना है तो कौन सी केबल इस्तेमाल करते हो, केबल सेक्शन में आकर यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ केबल है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा वही केबल जो यूज की जाती है। बट इसमें एक ऑटोमेटिक केबल है, जब आप कंफ्यूज हो कि हमें कौन से नंबर ऑफ केबल की जरूरत है, हमें नहीं पता कौन सी केबल इस्तेमाल होगी, तो आप ऑटोमेटिक केबल ले लेंगे, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसी केबल को दो डिवाइसेस के बीच में मीडिया के लिए इस्तेमाल करेगा। बट ये उनके लिए है जो एक्सपर्ट हैं, है ना, जो बिल्कुल जानकारी नहीं रखते या मतलब कि अभी फ्रेशर से इस सेक्टर में मूव कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि क्रॉस केबल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, स्ट्रेट का कहाँ करते हैं। नहीं पता क्रॉस स्ट्रेट क्या है, बेसिक आइडिया, तो मैं आपको बताऊंगा इथरनेट मीडिया में, इसी के बाद हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए जो लोग फ्रेशर हैं। सो फाइनली हम लोग ऐड कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा क्विकली करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ जो केबल्स है एज इट इज सेलेक्ट करता हूँ। अब देखो दो चीजें यहाँ पे होती हैं, मैं सीक्वेंस ऊपर से अप्लाई करता हूँ, ये जीरो है और ये हमारा वन है, ऐसे इधर भी हम लोग पहले इधर जीरो देते हैं और इधर वन देते हैं, ये जीरो वन जीरो वन ये। अब हमारा जो राउटर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग इधर ले लेते हैं इन दोनों के बीच में एच ओ, ये हमारा हेड ऑफिस है, कुछ भी बना दो यार, कुछ भी लिख दो, ब्रांच वन ब्रांच टू लिख दो, हेड ऑफिस है, और ये हमारे पास डेटा सेंटर है। हम अपनी कंपनी का ही समझ लो ऐसे लिख रहा है, डेटा सेंटर हो गया। अब ये राउटर हमारे हेड ऑफिस में है और ये डेटा सेंटर है जहाँ पे हमारे कुछ डेटाबेस यूजर काम कर रहे हैं, और इधर हमारे हेड ऑफिस के सारे टीम बैठ के काम कर रहे हैं, और मल्टीपल सब डिपार्टमेंट हो सकते हैं। कि हमारा जो ये स्विच है इधर या इस कनेक्शन के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, ये हो रहा है ब्रांच वन। अब मल्टीपल सब ब्रांच हो सकती है कंपनी के अंदर, मल्टीपल सब ब्रांच हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं? यस सर। एचआर ब्रांच हो सकता है, मार्केटिंग ब्रांच हो सकता है, टेक्निकल ब्रांच हो सकता है जिसमें मल्टीपल्स ऑफ यूजर काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी है तो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, बायो का है, या कोई कॉरपोरेट सेक्टर है कोई वैसा, तो वहां पे भी मल्टीपल्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट से लेके अकाउंटिंग काउंसलिंग, बहुत सारे ऐसे होते हैं। ये ब्रांच वन है, और हम लोग इधर एक ले लेते हैं जस्ट इसके नीचे जो कि है ब्रांच टू, ब्रांच टू, और एक हम लोग टॉप पे ले लेते हैं जो कि है ब्रांच थ्री, और इधर हम लोग ले लेते हैं जो कि है ब्रांच फोर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास,
नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, और हम लोग यहाँ पे क्या सिनेरियो स्टेब्लिश करने वाले हैं उसका क्वेरी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। लाइक होस्ट की जो रिक्वायरमेंट है, होस्ट नीड या रिक्वायरमेंट जो है वो है 240 होस्ट, 240 होस्ट। मैंने क्या बताया कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट रखूंगा, ऐसा नहीं है कि एक आईपी को दो पार्ट में बांट के दो डिपार्टमेंट में दे दो। मैं ऐसा नंबर लिख रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन को लेकर कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़े, बहुत आसान ना हो। 240 कंप्यूटर हमें इस ब्रांच के लिए चाहिए। ब्रांच टू में हमें जो टोटल होस्ट की रिक्वायरमेंट है वो अप्रॉक्स में 120 होस्ट चाहिए मुझे, राइट इधर। और ब्रांच थ्री में जो मुझे होस्ट चाहिए वो अप्रॉक्स में 60 में कर देता हूँ। और ब्रांच फोर में जो मुझे होस्ट चाहिए इधर मैं 30 कर देता हूँ, है ना। तो आई थिंक 120, 60 और 30 तो कैलकुलेशन में है, बट 240 कैलकुलेशन में प्रॉपर नहीं आ रहा है ना। तो 240, अब देखो जिसने बहुत एक्सपर्टीज के साथ अपना प्रैक्टिस किया है वो अभी इसका आंसर दे देगा, जिसने उतना ध्यान नहीं दिया है बस सिनेरियो को समझ लिया है उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, बट हो जाएगा आज ही। तो ये हमने यहाँ पे दोनों ब्रांच का डिटेल लिख दिया और ये हम इधर ऐड कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ होस्ट आप ऐड कर सकते हो जितने भी आपको कंप्यूटर ऐड करने हैं। मान लिया इधर मैं बस दिखाने के लिए दो पीसी ऐड कर दे रहा हूँ और इधर भी मैं दो पीसी ऐड कर रहा हूँ। इधर भी कुछ कंप्यूटर ऐड करते हैं और इधर भी कुछ कंप्यूटर ऐड करते हैं और इन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं। आप स्विच से स्विच भी लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ होस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। आप एक्सपेंड करना नंबर ऑफ सेगमेंट को, नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइस को, देन डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच वगैरह डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये दोनों ब्रांच इधर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, क्लियर है। और ये वाला जो नंबर है ये थोड़ा सा और इसको इधर रख के हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें इधर, और इस वैल्यू को हम लोग इधर कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल लैब जो है वो आपको खुद बनानी पड़ेंगी, तो आगे आप इसकी लैब डिजाइन कर सकते हो जब थोड़ा सा आइडिया और लग जाए तो। अब मुझे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आईपीस टोटल हो रहे हैं जरा कैलकुलेट करके बताओ। एक लोग 240 प्लस 120, 360 प्लस 60, 420, 450 टोटल। 450 टोटल। ओके तो टोटल 450 आईपी की जरूरत हो रही है। तो अगर हम एक क्लास लेते हैं तो नंबर ऑफ आईपीस 200, 250 आईपी कैलकुलेट कर लेंगे। दो क्लास में 500 आईपीस। आई थिंक हमें दो नेटवर्क चाहिए होगा कंप्लीटली सी क्लास का, तब हम ये सिनेरियो कंप्लीट कर सकते हैं। पहला तो ये दिमाग में आ गया ना सबके कि हाँ हम लोग सी क्लास की दो बिट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर कैसे इसको मैनेज करेगा। अब यहाँ पे एक बार फिर से कैलकुलेट करो, सभी लोग डायग्राम देखो और बताओ नंबर ऑफ यूजर कितने हमें लग रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग अब जाओ कि टोपोलॉजी में कितने नंबर ऑफ आईपीज लेनी पड़ेगी। एक बार फिर से कैलकुलेट करिए। सर यूजर तो 8 है। नहीं, यूजर हटा दो, यूजर मैंने लिख रखा है 240 इधर के फोर लिए, फिफ्टी टू 452 लेना पड़ेगा 452। किसने आंसर दिया? सूरज मैंने। यस सूर्या। तो टोटल 452 आईपी लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दो इंटरफेस वैन के भी हैं, राइट। पॉइंट टू पॉइंट भी बन रहा है, समझ में आया। आपके यहां से यहां भी दो इंटरफेस बन रहा है, क्लियर है।
तो जब आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो टोटल मान लिया ऐसे डायग्राम आ गया और ऑप्शन पूछ लिया कि हाउ मेनी नंबर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टोपोलॉजी, है ना, हाउ मेनी आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड फॉर दिस टोपोलॉजी, नंबर लिख दिया वहाँ पे 450, 452, 460, है ना, या बोल दिया कि टोटल 2 to 4 to ये यानी कि टोटल 8, तो बहुत सारे लोग देखकर बोल देंगे कि हाँ 8, अगर 8 भी वहाँ पे दिया कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो मेक श्योर टोटल नंबर अगर यहाँ पे दे रहा है तो पहले तो इसको टोटल कर लो और फिर देखो आपके और एडिशनल कोई आईपी कहीं के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, यस हमारे वैन इंटरफेस के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये सब देख लेंगे कैलकुलेशन, थोड़ा सा क्विक आंसर नहीं करना है, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ प्रॉपर आइडिया के साथ इसका आंसर करना है। अब ये हमारे पास हो गया, जस्ट मैं इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो ब्रांच वन के लिए 240 IP की जरूरत है, तो 240 IP कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बताइए, एक नंबर कोई भी बता दो मैं जिसको यूज कर लूँ, 192.168. मैं 100.0 इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, या मैं यहाँ पे 1.0 इस्तेमाल कर देता हूँ, और स्लैश मैं कितना यूज कर सकता हूँ, 24, है ना। जब मैंने /24 इस्तेमाल किया तो टोटल नंबर ऑफ आईपीज यहाँ पे कितने हमें कैलकुलेट होकर मिल रहे हैं, टू हंड्रेड फिफ्टी फोर 255 सर, 255 फ्रॉम जीरो, यानी कि टोटल नंबर तो हमारा 256 आ या रहा है, तो अगर यहाँ पे हम लोग 256 देंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इस ब्रांच में हम लोग जस्ट नंबर कैलकुलेशन कर रहे हैं, टोपोलॉजी वगैरह आप लोग किसी भी तरीके से बना के देखना कि कैसे क्या। तो हमारा जो स्टार्ट आईपी यहाँ पे होगा इस रेंज में, स्टार्ट आईपी ध्यान देना, स्टार्ट आईपी हम लोग 192.168.168.1.1 से स्टार्ट करेंगे, है ना, आईपी देना, और एंड आईपी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 192.168.1.254, क्योंकि यही नंबर ऑफ होस्ट को आईपी हम लोग दे सकते हैं। क्यों? तो अगर हम लोग 1.1 से लेकर जाएं तो 240 ही आईपी चाहिए, तो हम लोग 1 से लेके 240 तक जा सकते हैं, राइट। बाकी हमारे पास जो एक्स्ट्रा 14 IP है, 14 IP यहाँ पे एक्स्ट्रा बच रही है, ध्यान देना यहाँ पे आईपी देने के बाद नंबर ऑफ आईपीज कितना एक्स्ट्रा है हमारे पास अभी, 14 14।14 अगर किसी कंपनी में या कहीं पर भी दो दो एक आईपी किसी को चाहिए तो हम वो 14 IP और 14 लोगों को एलोकेट कर सकते हैं, मतलब 14 IP जो हमारे पास है उस 14 IP को हम लोग अनदर 14 क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं, राइट, या किसी भी अनदर डिवाइस को या इंटरफेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी 14 इधर सेफ है ना। यू कैन स्टार्ट आईपी फ्रॉम 192.168.1.1 फ्रॉम फर्स्ट होस्ट टू लास्ट होस्ट 240, ओके, एंड रेस्ट ऑफ आईपी आप प्रिजर्व कर सकते हो फॉर फ्यूचर यूज। 244 तक हमारा हो गया, तो हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट आईपी यहाँ पे मिल रही है, टोटल कैलकुलेट करो आप, ब्रॉडकास्ट आईपी भी तो यहाँ पे एक है, वो आईपी कौन सी होगी, 1.255। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि नेटवर्क आईडी क्या बनेगा, 168.1.0 वन बनेगा डॉट जीरो 1.0 वन डॉट जीरो। पहले से आप लोग कैसे बता रहे हो, मतलब वीडियोस वगैरह देखा है क्या, या बस मतलब ऐसे याद है? याद है, और बाकी जो मैंने वीडियो देखा है। नोट भी है। अच्छा, तभी मुझे लगा कि मतलब तुरंत कैसे कैलकुलेशन, इतना जल्दी तो सब नेटिंग में नहीं बोल रहा था कोई, और फिर इधर इतना जल्दी आंसर मिल रहा है, तो मतलब या तो कुछ सामने है ये सबनेट। सबनेट कैलकुलेटर का असर ही हो सकता है। नहीं अच्छा हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि खोल के तो नहीं सर, रखा हुआ है। कैलकुलेटर ने नोट है। हाँ कोई नहीं, चले कुछ भी हो, बस अपने थोड़ा सा प्रैक्टिस पर उन सारी चीजों को नोट करके रखो। तो जो हमारा आईडी है जीरो है, अब ये आईडी जीरो क्यों होता है, आई थिंक बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी जीरो कैसे लिख सकते हैं हम लोग किसी आईडी के लिए, तो वो आपको मैं
मतलब कि आपको अभी उस पे फोकस करना नहीं है, 200% मैं गारंटी लेता हूँ अगले लैब में मैं समझा दूंगा, है ना। नेटवर्क आईडी जीरो कैसे लग क्यों लिखी जाती है। बाकी हम लोग यहाँ पे देखें तो गेटवे हमें एक असाइन करना पड़ रहा है ना। एक और हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ रहा है, गेटवे। तो गेटवे हमारा क्या हो जाएगा, पहला आईपी जो हमारे नेटवर्क का होता है वो हमारा क्या होता है, गेटवे होता है। 1.1 जो हमारा होगा इज गेटवे आईपी, यही होगा क्यों। ऐसा और जो हमारा राइट सबनेट मास्क आएगा वो यस सर यस सर पार्ट गेटवे दो आईपी फर्स्ट हाँ, फर्स्ट आईपी जो हमारा है ये हमारा गेटवे आईपी होगा क्यों। अब देखो इसको मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ, ये जितना वैल्यू मैंने लिखा है इसको मैं अप्लाई करता हूँ इस नेटवर्क में। तो ये जो फास्ट इथरनेट 0/0 है यहाँ पे जो आईपी होगी 192.168.1.1 आईपी हमारा पहला इस इंटरफेस पर है। तो हमारे इन सभी क्लाइंट के लिए जो बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेशन करा रहा है वो गेटवे कौन हुआ, 1.1 अंदर क्लियर है अभी। तो आना और उसके बाद हमारा जो नेटवर्क है, मान लिया कि हमें आगे इस राउटर को बताना है कि 192 का नेटवर्क तुम्हें रूट करना है, तो हमारे इस राउटर पर जो एंट्री होगी वो 1.1 की नहीं होगी, 1.0 की होगी। क्लियर है, क्योंकि 1.0 डिनोट करता है नेटवर्क को, 1.1 डिनोट करता है नंबर ऑफ होस्ट, राइट। तो 1.0 की एंट्री एक्सेप्ट करेगा राउटर राउटिंग टेबल के अंदर, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम अपने एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क को पिंग करते हैं तो नेटवर्क आईडी की जरूरत होती है, और ये नेटवर्क आईडी आईएसपी हैंडल कर रहा है, राइट। समझ लो कि ये दो के कनेक्शन के बीच में आईएसपी अपना नेटवर्क आईडी दे रहा है, काम कर रहा है। इधर दो आईपी और असाइन करेगा आईएसपी, जिधर हमारा ये जो लैन आईपी है इस वैन आईपी के साथ पिंग करेगा। तो ये राउटिंग के पार्ट में ही समझे तो बेटर है ना। अभी इसको बस ये समझो कि हमारा 1.1 गेटवे का काम इधर कर रहा है। बाकी पहले कंप्यूटर को आईपी हम लोग असाइन करना स्टार्ट करेंगे 192.168.1.2 सॉरी 2, पहले कंप्यूटर को 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, ऐसे करते हुए 240 तक लेकर जाएंगे। तो हमारे पास आई थिंक 241 आईपी यहाँ पे रिजर्व हो गया, 242 आईपी रिजर्व हो गया, है ना। तो वही 14 आईपी का टोटल सिनेरियो हमारे पास बच रहा है। चलो जो भी है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकेंड ब्रांच में आ जाते हैं। सेकेंड ब्रांच में 120 आईपी चाहिए। तो अब इसमें क्या हम लोग 120 आईपी और कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं। जो हमारे पास रिमेनिंग होस्ट है 240 के बाद टोटल आई थिंक 16 आईपी है, तो 14 तो यूज कर ही सकते हैं। तो 14 आईपी आई थिंक ना ही हम लोग ब्रांच 2 के लिए जा सकते हैं, ना ही ब्रांच 3 के लिए, ना ही ब्रांच 4 के लिए। बट हाँ यहाँ पे 2 आईपी चाहिए, इसको दे सकते हैं उसमें से, है कि नहीं। तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे कौन सी 2 आईपी यहाँ पे कैलकुलेट होगी, कैसे होगी। अब 120 आईपी के लिए एक नंबर मुझे यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, 192.168.2.0 ले लें, /24 कर दें। अब 2.0/24 पर क्या हमें 120 आईपी मिलेगी, सर 120 तो मिल जाएगा, उससे ज्यादा मिलेगा, दो सौ दो पचपन ज्यादा। तो पचपन हम कितना यहाँ पे रखें फिर, ट्वेंटी 25 ले लेंगे सर 25 ले लेंगे। तो जब 25 करेंगे, 25 बिट पर हम लोगों ने 126 आईपी कैलकुलेट किया था सी क्लास में पर नेटवर्क, है ना। तो आई थिंक ओके है, दो तीन आईपी इधर उधर है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट आईपी का सिनेरियो रखेंगे, स्टार्ट आईपी वो हमारा होगा 192.168.2.1, पहले कंप्यूटर की आईपी होगी। और एंड आईपी जो होगा END, एंड आईपी वो होगा 192.168.2.120 सिक्स, क्योंकि हमने /24 पर रखा है तो 1 से लेके 126, क्योंकि 127 हमारा नेक्स्ट ब्लॉक के लिए चला जाएगा, ठीक है।
अब देखना ये ऐसा नहीं कितना इजी सबनेटिंग का पार्ट अभी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा और ट्रिकी है अगले सबनेट में जब हम जाएंगे घुसेंगे। तो देखो क्या करना होगा, 126 जैसे इधर आपने एंटर कर दिया, नाउ यू कैन फाइंड ब्रॉडकास्ट आईपी फॉर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, है ना। तो व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईपी? 127 होगा लास्ट आईपी एड्रेस में सर। यस, तो लास्ट क्या होगा? 127. उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए नेटवर्क आईडी, ये तो कंफर्म हो गया सबको, 2.0 लास्ट में जीरो रखना है। क्यों? नेटवर्क आईडी में जीरो होता है लास्ट में, जीरो। ओके, तो 2.0 कर देंगे, हमारा इधर का नेटवर्क आ जाएगा। बट सेकेंड बिट के लिए क्या यही नेटवर्क होगा? नहीं, वहां पे ध्यान देंगे, 2.0 हो गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक गेटवे, गेटवे क्या होगा? 2.1 और मास्क हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये है सबनेटेड आईपी, तो 255 के साथ 128। अब इसको असाइन करने के लिए हम लोग इधर रख देंगे 192.168.2.1, राइट, गेटवे। और उसके बाद बाकी जो नंबर ऑफ आईपीज है वो इधर आप अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया इतना सभी को? यस सर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारा जो ब्रांच 3 है इसको चाहिए 60 आईपी। तो अगर हमने यहाँ पे 240 आईपी कैलकुलेट किया टोटल, और जीरो भी कैलकुलेट हो गया, टोटल 241 हो गया, बाकी का हमारे पास जो भी आईपी बच रहा है आई थिंक 214 आईपी के आसपास बच रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 120 कैलकुलेट किया, जिसकी आईपी डिटेल में लिया था हम लोगों ने 2.0, तो यहाँ पे टोटल 24 बिट पे देखा जाए 256 होस्ट आ रहे हैं, 255 किया तो हमारे पास 126 हुआ। तो रिमेनिंग हमारे पास अभी कितना टोटल नंबर बचा हुआ है? 128 रिमेनिंग आईडी है ना, 128, यस हाँ। मैंने उधर पूरा 120 था, 126 तक पूरा दे दिया, एक दो आईपी है तो वो आप कहीं कैलकुलेट कर सकते हो अगर जरूरत है। अभी मैं बता दूंगा कि अगर नंबर ऑफ आईपीस बहुत कम, 2-4 बच रही है, तो वो कैसे एलोकेट करना होता है किसी भी उससे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे 128 का नेटवर्क अभी बच रहा है। क्या 128 हम लोग, ये दो ब्रांच और थी, तो B3 में हमें रिक्वायरमेंट था 60 आईपी और B4 में हमें रिक्वायरमेंट था 30, तो क्या 128 हम लोग यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं? सर नेटवर्क एड्रेस डिफरेंट हो जाएगा ना सर? हाँ, नेटवर्क डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ का नेटवर्क नहीं रहेगा, यहाँ का अलग होगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? रिमेनिंग आईपी है तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। अब इसका कैलकुलेशन बताइए क्या होगा? इसको अगर तोड़ देंगे तो सर दोनों को ही मिल जाएगा, दोनों को ही फुलफिल हो जाएगा। हाँ तो बताइए, स्टार्ट करते बताएं। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है यहाँ पे नंबर ऑफ आईपी, है ना। तो 25 हमारा इधर हो चुका है, 192.168.2.0, इसका 25 मैं यूज कर चुका हूँ, है ना। तो हमें क्या करना है, 26, राइट। अगर 26 का सेकेंड पार्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे नंबर ऑफ आईपीस कितना मिलेगा? 128 मिलेगा दोबारा से। अगर 25 पर ही मैं करूंगा तो 126 मुझे दोबारा मिल जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 60। तो हम जो ये 2.0 है इसको 26 पर कर सकते हैं सबनेट, जिसमें हमें 26 कर सकते हैं 7, 8, 28, 29, 30, जितना हमारे पास बचा है कहीं भी कर सकते हैं, बस हमें नंबर अरेंज करना, राइट। तो हमारा जो स्टार्ट आईपी आएगा, स्टार्ट आईपी
वो कितना होगा? 26 के बाद भी कुछ भी ले सकता है। हाँ, 128 तक तो हमारा हो गया, पहले रिजर्व हो गया नेटवर्क के लिए, 29 होगा, राइट? और उसके बाद एंड आईपी जो हमारा आएगा वो बता दो आप कितना आएगा? 192.168.2.254 टोटल आएगा, आई थिंक 62 का बनेगा जब 26 पर आप करेंगे, 62 टोटल 2 की पावर 62 होस्ट होएगा सर, तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, दो चार नेटवर्क मिलेंगे तो 60 आईपीज का कैलकुलेशन यहां पे मिल जाएगा, राइट? ब्रॉडकास्ट आईपी आपको क्या मिल रहा है? ब्रॉडकास्ट आईडी 192.168.191. उसके बाद हमारा नेटवर्क क्या मिल रहा है? 2.128 सेकेंड नेटवर्क का भूल रहे हो, 128, राइट? और हमारा गेटवे क्या होगा? सॉरी 127 होगा, नो नहीं नहीं 127 होगा, गेटवे सही 2.1 होगा, 2.129 होगा, 2.129 फर्स्ट आईपी हमारा यही होगा ना, ये जी सर, स्टार्ट आईपी ये हो जाएगा। और मास्क क्या होगा, कौन बताएगा? ट्वेंटी सिक्स पर 192 है ना जी। आप देखो इधर, मान लिया कि ये 24 है, 25, 26 पर 192 आ रहा है ना? 192, यस। ध्यान देंगे तो ये हमारा इधर हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ कंफ्यूजन लगा कि सभी लोग उतना ज्यादा अभी श्योर नहीं है। देखो करना क्या था, ध्यान देना, हमने 120 आईपी इधर कैलकुलेट करना है 2.0 की रेंज में, तो हम ऐड करते हैं, ध्यान देना इससे कंफर्म हो जाएगा, म्यूट कर लो सभी लोग, 2.0 की रेंज में, और हम यहाँ पे ऐड करते हैं 24, और बाय डिफॉल्ट हमारा मास्क आ गया 22.0 की रेंज में, जब 24 किया 25 बिट पर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर रिजर्व कर दिया 127 तक, देखो कर दिया, ब्रॉडकास्ट आईपी 127, ब्रॉडकास्ट आईपी 127 तक रिजर्व हो गया, क्लियर है? यस सर, यस सर। यानी ये पूरा नंबर हमारा रिजर्व हो गया, बचा हुआ ये है, तो ये ध्यान देना कि हमारा 2.127 तक रिजर्व है, तो हम सेम नंबर क्या करते हैं, एक और सबनेट बढ़ाते हैं 26 पर आ जाते हैं इसी में, है ना? जब 26 पर आ गए तो हमारा 127 तक तो रिजर्व है ना, यहां तक ये पूरा, राइट? यस सर। इसमें कितने होस्ट हमें मिल रहे हैं टोटल, जब हम इतना बढ़ा रहे हैं, दो बढ़ा रहे हैं, तो टोटल कितने कंप्यूटर मिल रहे हैं? 62, 60 चाहिए, फिक्स हो रहा है लगभग में, yes। तो हमने यहाँ पे नेटवर्क क्या लिया हुआ है, देखो अब इधर कैलकुलेट करो, आप इधर आ जाओ, ऐसे करते हैं, देखिए हमारा नेटवर्क आईडी क्या है, 128 है यहाँ पे, देखो नेटवर्क आईडी क्या आ रहा है, नेटवर्क आईडी 128 है, 2.128/26 पर, यही है ना /26, yes, और हमारा जो फर्स्ट नेटवर्क है वो है 2.129, और जा रहा है कहाँ पे, 2.190 हो रहा है, और हमारा yes। जो गेटवे आ रहा है 2.128 आ रहा है, सॉरी ये क्या आ रहा है, नेटवर्क एड्रेस जो हमारा आ रहा है 2.128 आ रहा है, तो नेटवर्क हमारा 2.128 ही तो है यहाँ पे, और ब्रॉडकास्ट हमारा 191 आ रहा है, तो ब्रॉडकास्ट देखो हमारा क्या आ रहा है, 191 ही तो आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ तक फुल हो गया। अब हमारे पास कितने होस्ट की जरूरत है,
फोर सॉरी थर्टी, तो थर्टी अभी भी हमारे पास 62 64 है, 62 बच रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक और बढ़ा दे रहे हैं, 27 पे कर रहे हैं. 27 पे कितने होस्ट मिल रहे हैं मुझे, 30 होस्ट मिल रहे हैं. 30 हमने कहाँ तक कैलकुलेट कर लिया है लास्ट आईपी, 191 तक. चलो 191 तक यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ तक छोड़ दो, समझ रहे हो आप, क्योंकि ये किसी को दिया जा चुका है. अब क्लियर हुआ, तो हमारे पास ये रेंज बचा हुआ है, क्लियर है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, स्टार्ट आईपी, नहीं 192.168.2.0/27, क्लियर है. स्टार्ट आईपी हमें मिला 192.168.2.193, क्लियर है. और एंड आईपी मिला 223 हमारा ब्रॉडकास्ट में जा रहा है. टू हमारा जा रहा है, और हमारा 192 नेटवर्क और 223 हमारा जा रहा है. तो इधर हम लोग एंड आईपी हमने लिख दिया, और उसके बाद हमारा आ रहा है ब्रॉडकास्ट आईडी. तो 192.168.2.223, राइट. नेटवर्क आईडी हमारा क्या मिल रहा है, 192.168.2.192, ना 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 2.192, यही तो मिलेगा. यस यस, नेटवर्क हमारा 192 है ना, ये 27 पे, क्लियर है. यस यस, 192. तो हमारा जो गेटवे है वो क्या मिलना चाहिए, स्टार्ट आईपी 2.193. तो ये हमारा 30 होस्ट का कैलकुलेशन है, क्लियर है. तो सबनेट मास्क क्या होगा सर इसका, इसका सबनेट मास्क देखो 27 पे कितना है, 224 हो जाएगा लास्ट में, 224 और 192 प्लस. कंफर्म है, ठीक है. पहला 192 होता है, सॉरी 128, 192, 224, राइट. उसके बाद हमारा आ जाता है 224 के बाद 240, 248, 252, 254, 255, राइट. ये दिमाग में वही 8 नंबर की जो टेबल्स है ना, वो बिट है, उसको बस कैलकुलेट करके रखना है. तो हम लोग इस होस्ट को आईपी अगर देते हैं, तो क्या आईपी देंगे इस कंप्यूटर को, 192.168.1.2, क्लियर है. यस सर. सबनेट मास्क गेटवे क्या दे देंगे, 192.168.1.1, हो गया. अगर इस कंप्यूटर को आईपी हमें देना है तो क्या देंगे, पहले कंप्यूटर की आईपी 192.168.2.2, है ना. और जो हमारा सबनेट मास्क आएगा 255 और लास्ट पे 128 कर देंगे, राइट. और हमारा गेटवे 2.1, क्लियर है ये. और उसके बाद अगर हम इस होस्ट को आईपी देते हैं तो क्या होएगा, 192.168.2.2.130
30 और ब्रॉडकॉम ओ ये कितना हो जाएगा 192.168.192.192 और हमारा जो डिफॉल्ट गेटवे है 2.129 डिफॉल्ट गेटवे देखो 2.129 देखना कोई गलत एंट्री मैं नहीं कर रहा हूँ नंबर नंबर पढ़ते पढ़ते वो इधर उधर होने लगता है तो ये हो गया और इधर वाले पर हम लोग ऐड कर देंगे 192.168.2.194 और लास्ट में हम लोग यहाँ पे कर देंगे 224 राइट इधर मैंने नहीं लिखा है क्या नहीं मास्क अच्छा किसी ने पूछा भी बट मैंने पूछा था सर हाँ हमें लगा कि लिख वो ऐसे ही आप पूछ रहे 224 ये नंबर देंगे ठीक है तो हमारे पास 224 और यहाँ पे हो जाएगा 2.193 यही है yes. इसके साथ हम लोग नंबर्स को कैलकुलेट करवा देंगे इधर वाले राउटर पे हम लोग 2-3 इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे अब देखो ये आगे का है बस यहीं आपका लैब फिनिश हो जाता है आपने सबनेटिंग कैसे करके असाइन करना है कैसे ब्रांच में कैलकुलेट करना है सब आपने देख लिया अब राउटिंग वगैरह है तो राउटिंग आपको आगे पढ़ने को मिलेगा बट थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर समझ में आए देन ओके नहीं आता है तो आगे राउटिंग हम लोग एक्सपर्ट तो बनेंगे ही बनेंगे आगे चल के इनेबल करते हैं तो सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकल इन्वायरमेंट आते हैं क्योंकि कमांड अभी आप लोगों को शायद ना कुछ याद हो तो आगे हम एक एक करके सारी कमांड्स बताएंगे क्या पर्पज़ है बट FA0/0 का जो IP है यहाँ से ऐड करो और IP है 192.168.1.1 विद सबनेट मास्क ये और ऑन कर दिया ओके हो गया उसके बाद जो 0/1 पोर्ट है 2.1 है बट इसका जो मास्क है 128 है तो यहाँ पे 192.168.2.2.1 है बट इसका जो मास्क है वो 128 है राइट और इसको ऑन कर देना है उसके बाद हमारे पास एक है सीरियल 0/0 पे क्लॉक रेट 64,000 दे देते हैं अब देखो 2 आईपी यहाँ पे भी बच रही है तो हमारे पास इधर आई थिंक एक्स्ट्रा आईपी था है ना जी तो 2 आईपी ओनली 2 होस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग अब देखो ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना रहा है मैं इसको मिस कर रहा था तो हम लोग यहाँ पे 2 आईपी कैलकुलेट करना है तो 20 इसको 3 से 4 कर देता हूँ अभी 14 हो गया और कम करते हैं 6 हो गया कितने पर आई थिंक 24+5 कितना हुआ 29 एक और करते हैं तो 30 पर आई थिंक हमें मिल रहा है 2 होस्ट 2 ही तो चाहिए मुझे तो हमारा ये रिजर्व कहां तक हुआ है आई थिंक ये हो चुका है रिजर्व 2.193 तक नहीं जी 2.222 तक ट्रिपल टू एंड ब्रॉडकास्ट 2223 तक यानी कि 223 तक ये रिजर्व है तो नहीं 223 तक रिजर्व होने से हमें मतलब नहीं है हम लोग कुछ दूसरा देख रहे हैं लेट मी शो इधर देखना है ना ये हमारा रिजर्व कहां तक हुआ है 240 तक है ना देखो इधर 240 तक अगर हमारे रिजर्व है तो हमारे पास 240 के बाद यहां तक तो हमारा रिजर्व है ठीक है तो हम लोग सर वो वाला नेटवर्क तो 1.0 है ना वो 1.0 है इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यूज आ रहा है तो हम एक काम करते हैं इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है हाँ, हाँ. इसमें भी तो अभी हमारे पास बच रहा है आईपी कितना बच रहा है
223 तक शायद लग रहा था, 220 मैंने 256 से माइनस किया, रुकिए एक मिनट, विंडो आर देखो पूरा अच्छे से कैलकुलेट करके देखते हैं बस, क्योंकि आगे कोई टॉपिक पढ़ा नहीं सकते आज, बस इतना ही एनफ है। तो अगर हम यहाँ पे 256 माइनस 120 पहले रिजर्व किया, बचा 136, फिर मैंने माइनस किया इसमें से 60, बचा 76, माइनस किया 30, अभी हमारे पास 46 आईपी बची हुई है ना, और हमने यहाँ पे 223 तक इस्तेमाल किया है। सॉरी तो 46 के 46 कैसे हुआ, 223 से तो माइनस तो 32 ही रहेगा ना, कुछ गलत कैलकुलेट हो गया। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हम लोग का एंड आईपी बॉट का जारी 127 हो गया। नहीं 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 उससे मतलब नहीं, देखो हमारा टोटल कितना था, 256 है 2.0 की रेंज में, हमने यहाँ पे कितना रिजर्व कर दिया, 120 नहीं बट हमने 120 नहीं 128 क्या रिजर्व, 128 रिजर्व 128 तो बचा हमारे पास 128। अब इधर मैंने ऐड माइनस किया 64 राइट, यस माइनस 64 बचा 64, मैंने ऐड किया माइनस किया 32 बचा 32 है ना, हाँ, 32 ही बचा। तो हमारे पास कितना नंबर यूज हो चुका है, 223 तक है ना, तो 223 ये हमारा यूज हो चुका है ना। तो हमें यहाँ पे चाहिए नेटवर्क 30 का, और 30 पर हमें 220 क्या नेटवर्क हमें यहाँ पे मिल रहा है 220, और इसका जो नहीं नहीं 223 तक ये हो चुका, ये आईपी हो चुका 224 से होगा, हाँ 224 हमें मिल रहा है, और हमें 2.225 और 2.226, एक को 225 और एक को 226 दे सकते हैं, बाकी नेटवर्क हम ये इस्तेमाल कर देंगे, ये हमारा नेटवर्क और ये ब्रॉडकास्ट है, तो ये दो नंबर ले सकते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल आपको लिख देना है, क्योंकि दो होस्ट हमें मिल रहा है, तो 192.168.2.0 / कितना दे देंगे 30, और यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क निकल के आ रहा है 192.168.2.225, और जो हमारा सबनेट मास्क आएगा 255.255.255.252 है ना, क्योंकि 30 बिट पर यही आएगा, क्लियर। और दूसरे के लिए हमारा 192.168.2.0/30, और यहाँ पे 192.168.2.226, और हमारा जो सबनेट मास्क है 255.255.255.252 है कि नहीं, ये हो जाएगा। अब ये हमारा क्लियर हो गया, तो मैं इस राउटर पे था और मैंने यहाँ पे सीरियल 0/0 पे क्या देना है 2.225, अब क्लियर हुआ 192.168.2.225, और मास्क हमें यहाँ पे 128 ऑटोमेटिक ये ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 252 दे देते हैं, क्लियर है ये। और उसके बाद बस कंप्लीट कर दिया, इसको क्लोज करते हैं, दूसरे वाले राउटर पे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड फास्ट इथरनेट के लिए 192.168 डॉट क्या होएगा 129। अच्छा इसका सब, सॉरी हाँ ठीक है, हम पहले इसके लिए कैलकुलेट गेटवे निकाल लेते हैं, है ना, गेटवे निकाल लेते हैं। हम्म, और इधर के लिए हमारा क्या होगा 192.168.2.993, और इधर हमने लिख दिया है ना, तो नंबर दोनों देने के बाद 192.168.F0/0 पे हम आए, ये पोर्ट ध्यान देना ना, हाँ हाँ फर्स्ट नेट 0 पे, हाँ, तो हमारा 2.129 एंड मास्क के साथ हमारा जो
आईपी आएगा 192, राइट? यस सर। और जो हमारा सेकेंड पोर्ट है 2.193 आएगा। ऑन करते हैं, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 224। ये। और उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, मैं नीचे चेक कर रहा हूँ, जहां कहीं भी गलत होगा तो एरर आ जाएगा। सीरियल जीरो पर हमारा जो है ऑन करते हैं, और इधर हमारा आईपी हो जाएगा 192.168.2.226। यस सर। 224 ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन हमें इतना नहीं, 224 नहीं, 252 देना है, राइट? 252। ये हमारे पास आ गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टैटिक रूट करवा देंगे। स्टैटिक रूट के लिए हमें दोनों राउटर के बीच में, पहले लास्ट राउटर पे आते हैं, और हम इसको ये बता रहे हैं कि तुम्हारा जो रूट बन रहा है वो 192.168.1.0। अब नेटवर्क आईडी का इस्तेमाल हुआ 1.0 का, पता चला सबको कि नेटवर्क आईडी कहाँ पे लग रहा है, राउटिंग के समय लग रहा है। और इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255.0। किसके साथ कनेक्ट करना है? हाँ, ये आपको समझाएंगे, इसको आपको समझना नहीं, मैं बताता। इधर से जाना है तो हमें ये वाली आईपी इसको देना पड़ेगा, राइट? तो 2.225 एंटर। एक और हमारे पास नेटवर्क यहाँ पे बन रहा है जो कि ब्रांच 2 के लिए है, उसका जो नेटवर्क है 2.0 हो रहा है, क्यों? यस सर। विद सबनेट मास्क 128, और इसको कनेक्ट करना है 2.225. क्लियर? दो रूट इसको मिल गया। बात करने के लिए अब इधर के सारे कंप्यूटर इधर पिंग कर पाएंगे, बट इधर वालों को भी तो, मतलब इस राउटर को भी तो इनके बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा। तो राउटिंग में हम लोग इसको पढ़ेंगे, अभी तो एक मॉड्यूल स्विचिंग कंप्लीट करने के बाद इस वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे, तो इसको ज्यादा सीरियस नहीं समझना है कि ये रूट बन क्या रहा है। बस आपको आईपी सबनेटिंग कैलकुलेट करने तक की डिटेल को देखना था, वो भी बहुत रेयरली पूछा जाएगा। सीसीएनपी वगैरह में वो सब चीजें ऐड करी जाएंगी, बट एज अ सीसीएन ने जानकारी रहे तो बेटर है। तो हमने यहाँ पे रूट दिया, पहला रूट हमारा क्या होएगा? पहला 192.168.2.128.255.255.255.192 किसके साथ कनेक्ट करना है? 192.168.226 यही है ना, 226। तो बस एंटर कर दिया। गलत हम एंट्री करेंगे तुरंत यहाँ पे नीचे वो वार्निंग आ जाएगा, नहीं कनेक्ट होगा। तो आईपी रूट हमारा सेकंड 192.168.2.192, राइट? 193 अभी यहाँ पे एक अपडेट भी हमें देखने को मिल जाएगा, हो गया, जिसके अंदर 191.0 भी है, 2.0 भी है ना? दोनों आईपी यही तो चाहिए, दोनों देखो कनेक्टेड है स्टैटिक रूट के साथ। तो ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है सॉल्व, चार ब्रांच के लिए, दो साइट के लिए, इस तरीके से ही प्लानिंग किया जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, हेल्प करेगा अगर कहीं ट्राई करना होगा। बाकी अपना अलग भी लैब बना सकते हो आप 10 ब्रांच ले लो, थोड़ा और कैलकुलेशन करिए, प्रैक्टिस करने के ऊपर है, प्रोसेस में बता रहा हूँ। हो गया सभी का स्क्रीनशॉट? यस सर। और जब भी आप इसका प्रैक्टिकल बनाना तो जैसे कंट्रोल एस करना और इसको सेव करते जाना। 41 आईपी सबनेटिंग प्रोजेक्ट विद 4
branch and two head branch with static routing, ठीक है, एंटर कर दो. अब ऐसे या तो फिर मेन हेडिंग डाल दो और यहाँ पे लिख दो ये किस लिए कर रहे हो, अपना हेडिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इधर अपना एक बड़ा सा ऐसे बनाओ डायग्राम, इसको कलर फिल कर लो कोई, ऐसे बनाइए और यहाँ पे अपना लिख लीजिए किस लिए आप कर रहे हो, है ना. तो ये सारी चीजें चलो एंड करते हैं. सर इसमें कौन कौन कैसे पिंग कर सकते हैं? सब एक दूसरे से पिंग करेंगे जितने हैं सारे कंप्यूटर. यस, क्योंकि राउटिंग कर दिया ना उसने, राउटिंग पढ़ाया जाएगा तभी उसको प्रैक्टिस करना है. तो ठीक है एंड करते हैं, बाकी आप लोग ऑनलाइन यहाँ से हेल्प ले सकते हो समझने के लिए, है ना, थोड़ा बहुत. और पैटर्न अगर पता है तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे. नंबर है तो नंबर हम आसानी से याद नहीं कर पाते, इसलिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह की जरूरत पड़ती है. बट फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे और उसके साथ कैलकुलेट करेंगे. तो कल हमारा है फ्राइडे, इस वीकेंड का लास्ट क्लास, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इथरनेट टेक्नोलॉजी या अनदर, देखते हैं, ठीक है, बेसिक. ओके, गुड नाइट. नाइट सर. गुड नाइट सर.